नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम लोग दोबारा एक और नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। तो आज की जो सी हमारी वीडियो है वो है खजूरों के हवाले से। तो हम लोग यहाँ पर लेने के लिए आए थे अजवा खजूर। तो यहाँ पर बहुत ही किस्म की जो से खजूरें मौजूद हैं। तो अब हम भाई से जानेंगे, भाई की तरफ चलते हैं कि इतनी सारी जो खजूरें हमें नज़र आ रही हैं ये कौन कौन सी किस्म की हैं और इनकी क्या क्या कीमत है, और अजवा खजूर की क्या कीमत है वो भी इनसे जानते हैं, और बाकी सब कुछ जाने के चलते हैं भाई की तरफ और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ा सोचा बोलना पड़ेगा, क्या हाल है आपका? अच्छा भाई, मुझे ज़रा यहाँ पर बताइए कितनी तरह की आपके पास खजूरें मौजूद हैं, कितने किस्म की खजूरें हैं? 8-10 किस्म की खजूरें। तो आप एक एक करके मुझे ज़रा बताएंगे उनकी कौन कौन सी किस्म है, क्या क्या फादियत है, और उनमें सबसे बेहतरीन खजूर की कौन सी किस्म है? हाँ जी, ये वाली ईरान की खजूर है। ये अच्छा, ये भी ईरान की है, ये पाकिस्तान की है, ये मुख्तलिफ मुल्कों के, मतलब इनके नाम भी मुख्तलिफ। जैसे आपने इसका नाम ईरानी खजूर बताया है, रबई। ओके सॉरी, इसका नाम रबई है। ये ईरानी है, ये ईरानी है, मतलब कि थोड़ी सी इसकी स्किन जो थी वो हार्ड है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। अच्छा, और ये वाली जो सी खजूर है, शक्कर की खजूर, अच्छा तो इसकी प्राइस क्या है जो शक्कर की खजूर है? 160 रुपए। और यहाँ पर ये वाली कौन सी है? प्यारम खजूर, मतलब प्यारों को दे आपको कि वो वाली प्यारी खजूरें हैं। और अच्छा, ये जो यहाँ पर पड़ी है, हाँ हाँ ओके, जरा दिखाइएगा थोड़ा सा करीब से। ये देखिए व्यूअर्स, मतलब जो आप लोग खोया खजूर मिल्क शेक, मतलब जो बनती है ये वाली खजूर उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अजवा खजूर भी आप दिखा दें, तो इसकी क्या प्राइस है? मतलब इसकी जो मिल्क शेक तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जो खोया खजूर मतलब 200 का एक ग्लास मिलता है। ये अजवा खजूर की पैकेजिंग की हुई है, तो ये हाफ के जी की जो सी पैकेजिंग इन्होंने यहाँ पे की हुई है, ये अजवा खजूर है। तो इसकी थोड़ी सी मुझे फादियत के बारे में बताया, मतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा है कि दिल के मरीज के लिए ये बहुत मुफीद है। ये क्या है? ये भी सोती है। इसका क्या नाम है? मगरूम। मगरूम, ओके ठीक है। इसकी क्या प्राइस है? 1600 रुपये की है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी खजूरें देखी हैं, बहुत सारी इकसाम है। तो ये अजवा खजूर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी साफ़ सुथरी अच्छी सी है, और ये जो से सऊदी अरब की खजूरें हैं। और इसके अलावा मतलब आपके पास और यहाँ पर जो मेवा वगैरह पड़ा हुआ है, ये आप मेवा का पेशावर से मंगवाते हैं? अफगानिस्तान से, ईरान से आता है। अच्छा, तो भाई मुझे बताएं कि आपकी दुकान का क्या नाम है ज़रा, मतलब जो कस्टमर किसी ने खजूरें खरीदनी आनी हो। आमिर, आमिर खान ड्राई फ्रूट, ठीक है। तो व्यूअर, जिनकी दुकान का एड्रेस भी आपको पता चल गया कि ये जो भाई हैं इनसे आप खजूरें खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो सी खजूरों की बहुत सारी इकसाम मौजूद है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में साफ़ सुथरी खजूरें मौजूद हैं, और सिर्फ खजूरें ही नहीं, क्योंकि आगे वेदर चेंज हो रहा है, तो आप लोग ड्राई फ्रूट के लिए भी इनकी दुकान पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर नीमको भी मौजूद है। तो ये भाई नीमको कितने रुपये किलो दे रहे हैं आप? 240। वाह, बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी फ्रेश लग रही है। तो ये खुद ही बनाते हैं आप लोग? खुद ही भाई बनाते हैं नीमको आप लोग? ये वाली, अच्छा अच्छा, खुद ही बनाते हैं, सही। तो आप लोगों की मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह है इसको बनाने के लिए कि घर में बनाते हैं? घर में बनाते हैं। और यहाँ पर ये किशमिश है, और ये क्या है वो, आलू बुखारा, कुरबानी, ठीक है। और ये भी कुरबानी है। इनमें क्या फ़र्क है? वो खुश्क है, ये दूसरे नरम वाली है, जो अमूमन बिरयानी वगैरह में भी डालते हैं। हाँ हाँ ठीक है, इमली और कुरबानी की चटनी बनाते हैं। ये दाने और ये चीज़ें यहाँ पर, तो भी बस ड्राई फ्रूट भी के पास काफ़ी मौजूद है, वहाँ पे बादाम पड़े हुए हैं, अखरोट पड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अंजीर भी है, तो भी पर यहाँ पे कुछ कस्टमर भी मौजूद है जो इनसे ख़रीदारी करने के लिए आए, तो इनसे जानते हैं कि
हैं कि क्वालिटी अच्छी है, इनकी कीमत अच्छी है या इनका इखलाक अच्छा है, क्या वजह है कि आप इनसे खरीदारी करते हैं यहाँ के? मुनासिब रेट और क्वालिटी वाइज मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी है, इसीलिए यहाँ पर। तो आप क्या खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, वैसे भी सीज़न अब चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, शुक्रिया भाई। तो ये ले व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें भी यहाँ पर बता। जैसे खजूरों की हमने इनसे पूछी है, तो अब इनसे हम लोग यहाँ पर बहुत तरह के हमें बादाम नज़र आ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये हर बादाम मुख्तलिफ क्यों है, उसकी वजह क्या है। हाँ जी भाई, जरा मुझे यहाँ से शुरू करें कि ये बादाम क्यों मुख्तलिफ है। मतलब इसको कागजी बादाम भी कहते हैं, जो कान से टूट जाते हैं, जो शादी ब्याह के बिद्दों में डाले होते हैं, ये वो वाले बादाम है। अच्छा, इन दोनों की कीमत क्या है? मतलब ये जो अच्छा, और ये वो सख्त वाले बादाम है जो हथौड़े से तोड़ने पड़ते हैं, ये वाले हैं। हाँ, ये बहुत सख्त है। अच्छा, तो ये भी उसी तरह के ही है। इसका मतलब नाम मुख्तलिफ रखा हुआ है एक ही चीज़ के, इसका जो फर्क है, जैसे वो दोनों मतलब फर्क था, इसमें भी फर्क है। ये पाबंदी बादाम है, कागजी बादाम है, ये भी। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी सॉफ्ट है। अब्दुल वादी सबसे अच्छे बादाम ये वाले, अब्दुल वादी। अब्दुल वादी, इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये सबसे अच्छे क्यों है? ये सबसे अच्छे बादाम है, ईरान के बादाम। इसकी शेप भी डिफरेंट, मतलब लंबे लंबे से ही है ये। तो ये सारे आप लोग, ये भी सारे अफगानिस्तान से ही सारा माल ही आता है, ईरान से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यूअर्स हम लोग नारियल भी देख सकते हैं पड़े हुए। तो ये बादाम यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं? साफ़ करने के लिए रखे हुए हैं। तो देख ले व्यूअर्स, इनकी ये व्यूअर्स जो इनके कस्टमर्स, उन्होंने भी यही बात की थी कि हमें जो अच्छी चीज़ लगती है वो है इनकी क्वालिटी। खुद ही सारा काम करते हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ है। आप लोग खुद भी इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हर चीज़ साफ़ सुथरी है, कोई कीड़े मकोड़े नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर। खजूरों का भी हमने आपको बता दिया और यहाँ पर बादामों का भी बता दिया। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और इनकी जब भी आप लोग बाज़ार आएँ, घंटा घर आएँ और ड्राई फ्रूट लेना हो, तो इनकी दुकान को ज़रूर विज़िट करें। तो भाई एक बार दोबारा अपनी दुकान का नाम बता दें। व्यूअर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेके दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।